अस्सलाम वालेकुम। खून की कमी हो या कैल्शियम की कमी हो, इसके लिए बहुत बेहतरीन फ़ायदेमंद रेमेडी शेयर करूँगी। खून की कमी या कैल्शियम की कमी, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ये वो ज़बरदस्त रेमेडी है जो आपको बहुत फ़ायदा इंशाल्लाह देगी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, कैसे बनानी है, कैसे यूज़ करनी है। और अनम होम रेमेडी चैनल को विजिट कर लीजिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियोस पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो आइए चलते हैं इलाज की तरफ। खून की कमी बच्चों में हो या बड़ों में हो या प्रेग्नेंट वूमेन में हो या बूढ़ों में भी हो, तब भी आप इस इलाज को कर सकते हैं। खून की कमी की वजह से थकावट हो जाती है, सुस्ती हो जाती है, काम काज करना मुश्किल हो जाता है और वीकनेस बहुत हो जाती है। तो इसके अलावा कैल्शियम की अगर आपको कमी है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कैल्शियम की कमी को भी ये दूर करता है, ये थकावट को दूर करता है, जिसके लिए आपको चाहिए बादाम। जी हाँ, आपने बादाम लेने हैं, उसको रात भर पानी में भिगोना है। तकरीबन 5 बादाम ले लीजिए और उसे रात भर भिगो कर सुबह उसका छिलका उतार कर खा लीजिए। इसके साथ आपको जो दूसरी चीज़ चाहिए वो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं, कैल्शियम का खजाना है। सफ़ेद तिल को थोड़ा सा हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लो, हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसको पीस कर पाउडर बना लो। आपको एक छोटा चाय का चम्मच चाहिए सफ़ेद तिल का पाउडर। इसके साथ 5 बादाम खाएं और ऊपर से दूध पी लीजिए। अगर गर्मी का जैसे मौसम है ना अब, तो आप सफ़ेद तिल को रात भर थोड़े से पानी में भिगो कर रख दो और सुबह दूध में मिलाकर इसको ग्राइंड करके पी सकते हैं। अगर आपको दूध सूट नहीं करता तो आप सुबह निहार मुँह 1 छोटा चम्मच तिल का पाउडर और 5 बादाम को पानी में ग्राइंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थकावट और कैल्शियम की कमी और खून की कमी को पूरा करता है। ज़रूर आजमाएं, फ़ायदा होगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।